लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब सीएमआर में नहीं होकर होटल शिवविलास में हो रही है। सभी विधायक अपनी गाड़ियों से सीएमआर पहुंचे थे, लेकिन सीएमआर से बसेस के माध्यम से सभी विधायकों को होटल शिवविलास ले जाया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने लिया जायजा। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक पहले सीएमआर में होनी थी, लेकिन अब यह होटल शिवविलास में होगी, जिसके लिए तमाम जो विधायक हैं सीएमआर पहुंचे हैं और सीएमआर से इनको बस के द्वारा होटल शिवविलास ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बस, जहाँ पर पुलिस एस्कोर्ट में बस को होटल शिवविलास के लिए ले जाया गया है। पहले भी एक बस यहाँ से रवाना हो चुकी है और कुछ विधायकों को अब इस बस के द्वारा ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीएमआर के बाहर जो हलचल बढ़ी हुई है। तमाम राज्यसभा चुनाव को लेकर आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो विधायक हैं उनकी बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त की जिस तरह खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर अब कांग्रेस बाड़ेबंदी कर सकती है। पहले यह बैठक सीएमआर में होनी थी, लेकिन इस बैठक को यहाँ से होटल शिवविलास में शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जो विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं उनको बस के द्वारा होटल शिवविलास ले जाया जा रहा है और वहाँ पर तमाम विधायकों को ले जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। सह प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो सीएमआर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे वो जयपुर पहुंचेंगे। केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे होटल शिवविलास में। कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होगी, तमाम विधायकों को वहां पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद आगामी रणनीति पर चर्चा होगी, कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी होगी या नहीं ये भी बैठक के बाद तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी जयपुर। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, शाम में खबर आ गई थी कि कांग्रेस के जो विधायक जिनकी रणनीति को लेकर चुनाव की रणनीति को लेकर जो बैठक सीएमआर में होने वाली थी उसे पोस्टपोन करके सीएमआर से शिवविलास के लिए शिफ्ट कर दिया गया और अब उन विधायकों को वहां लेकर चले जा चुके हैं लोग। और अब इसके अलावा आपके पास क्या अपडेट है इसके अलावा? देखिए जैसी प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने और राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। सीएमआर में ये बैठक होनी थी, लेकिन इसकी जगह को पोस्टपोन करके जो दिल्ली रोड पर जो होटल शिवविलास है वहां पर ये बैठक रखी गई है। और इस बैठक से पहले तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो सीएमआर पहुंचे और वहां से उनको बसों में बिठाकर होटल शिवविलास भेजाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम जो निर्दलीय विधायक है वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले जो जितने भी निर्दलीय विधायक थे वो सीएमआर पहुंचे, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और उसके बाद भी वहां से बसों में बैठकर वो होटल शिवविलास के लिए रवाना हुए। इस दौरान जो बसपा से कांग्रेस में जो विधायक आए थे राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने भी कहा कि हम सीएम गहलोत के सिपाही है और उनके निर्देश पर चलेंगे और राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कराएंगे। और जो निर्दलीय विधायक है माधव सिंह खंडेला, उन्होंने कहा कि पिछले जो कांग्रेस का सरकार का जो कार्यकाल रहा उसमें निर्दलीय विधायक के कोई काम नहीं रुके और अशोक गहलोत सरकार से निर्दलीय विधायक काफी खुश है तो वो इस चुनाव में उनके साथ है। हालांकि उन्होंने जो ये जो तमाम जो आरोप लग रहे थे कि कहीं किसी प्रकार का प्रलोभन उनको दिया गया हो उनको नकारते नजर आए। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो राज्यसभा चुनाव है उनको लेकर अब सियासत तेज है और जो विधायक दल की बैठक है वो शिवविलास में थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो कांग्रेस के और जो निर्दलीय विधायक है वो वहां पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित जो तमाम कांग्रेस के आला नेता है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। जी जयदीप। पिंटू, एक खबर ये भी आ रही थी शाम में कि जिस प्रकार से बैठक संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक है उन्हें होटल शिवविलास में ही ठहराया जाएगा, एक तरीके से बाड़ाबंदी उनकी की जाएगी आगामी चुनाव की जो तारीख है 19 जून, तब तक तो अभी इसकी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये विधायक वहीं ठहरने वाले हैं और निर्दलीय विधायक इनके साथ रुकेंगे? देखिए जैसे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, बाड़ेबंदी जैसे कोई ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है क्योंकि सिर्फ ये विधायक दल की बैठक है जो पहले सीएमआर में होनी थी और अब उसको होटल शिवविलास के लिए शिफ्ट किया गया है। तो ये बैठक के बाद में ही पता चल पाएगा कि विधायक वहां ठहरते हैं या फिर सभी अपने अपने आवास के लिए अपने घर के लिए वापस आएंगे। फिलहाल तो ये एक विधायक दल की बैठक है, उसमें तमाम राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। जो आला नेता है वो विधायकों को संबोधित करेंगे, मतदान प्रशिक्षण को लेकर चर्चा होगी और आज में ये तय हो पाएगा कि विधायक वहां ठहरेंगे या आएंगे। फिलहाल इस प्रकार की हम बाड़ेबंदी को लेकर कुछ नहीं कह सकते कि कोई बाड़ेबंदी जैसी वाली कोई स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को साफ तौर पर पूरा जो संख्या बल है वो पर्याप्त है। ऐसे में कांग्रेस को इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं लग रही है कि वो बाड़ेबंदी करें। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।